हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम विशाल शर्मा है और आपका दी यूनी अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, हमने जो पहले टॉपिक स्टार्ट किया था वर्ब, उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो आज हमारा जो रूल नंबर 5 है वो कुछ इस प्रकार है, बेर इन्फिनिटिव्स आर यूज विथ दीज मॉडल्स शेल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट एसेट्रा। मतलब फ्रेंड्स, जो बेर इन्फिनिटिव वो होता है जिसमें वर्ब एक तो इन्फिनिट होता है, जिसमें फ्रेंड्स वर्ब के बाद 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और बेर इन्फिनिटिव उसे बोलते हैं फ्रेंड्स जिसमें बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसमें 2 नहीं होता। सो जो ये मॉडल्स है फ्रेंड्स, शेल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट मस्ट, इन सभी के साथ बेर इन्फिनिटिव का यूज होता है। जैसे कि इट मे रेन नाउ, मतलब फ्रेंड्स मे एक मॉडल है तो इसके बाद 2 नहीं आएगा, डायरेक्ट वर्ब बेर इन्फिनिटिव आएगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल है, ही विल गो टू मुंबई। सो फ्रेंड्स, इसमें भी ये एक विल एक मॉडल आ गया, इसके मतलब इसके बाद भी बेर इन्फिनिटिव आएगा तो गो। इसके बाद फ्रेंड्स जो रूल नंबर 6 है वो है, बेर इन्फिनिटिव इज यूज विथ नीड एंड नॉट डेयर नॉट। मतलब फ्रेंड्स, जो बेर इन्फिनिटिव का यूज होता है वो नीड नॉट और डेयर नॉट के साथ होता है। जैसे कि ही नीड नॉट टू वर्क हार्ड, इसमें फ्रेंड्स ही नीड नॉट के बाद 2 नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे बेर इन्फिनिटिव का यूज होगा, इसलिए 2 का यूज गलत है। सो यहाँ पे होगा ही नीड नॉट वर्क हार्ड। इसके बाद फ्रेंड्स जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है, ही डेयर नॉट से लाइक दिस। इसमें फ्रेंड्स हमें लगता है कि यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन 2 नहीं आएगा क्योंकि ये बेर इन्फिनिटिव आएगा यहाँ पे, सो डायरेक्टली से आएगा। इसके बाद दे नीड नॉट वेट फॉर अस हियर, सो फ्रेंड्स मे भी नीड नॉट के बाद डायरेक्ट ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, मतलब बेर इन्फिनिटिव आएगा। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम अगली अगली क्लास में इसके अगले रूल्स करेंगे। सो आज के लिए थैंक यू गाइस।